टर्म निकालने हैं तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो d है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, मतलब दूसरे टर्म से अगर पहले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा d, तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा d, चौथे टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तो आपका जो टर्म आएगा कॉमन डिफरेंस वो आएगा डी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया, एंथ टर्म मतलब टोटल आपको कितना निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू आप कुछ भी डालो और ए जो है वो पहला टर्म है, ठीक। तो इसमें जैसे ही आप डालोगे तो आपको nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से देखो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, जैसे मान लीजिए आपको n टर्म्स की सम निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, sn इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस टी एन होल डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे सपोज मान लो आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो क्या करोगे, s10 इज इक्वल टू 10 प्लस वो जो पहला वाला टर्म होगा a प्लस ये वाला जो टर्म आपको निकालना है वो यहाँ पे डालोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये निकल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला को काफ़ी क्रिस्प काफ़ी शॉर्ट बना करके आपको दिया हूँ मैंने, तो आपको क्या करना है, बस ये सीक्वेंस का फॉर्मेट याद रखना है, उसका nth टर्म याद रखना है और उसका सम का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। दूसरे तरह के सीक्वेंस का जो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं तो ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है ये, और इसका फॉर्मेट होता है ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब AR4 इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे आप R जो है ना ये इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलेंगे कॉमन रेशियो। जैसे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जैसे डिवाइड करोगे, जैसे AR डिवाइडेड बाय R, AR डिवाइडेड बाय A तो क्या मिलेगा आपको R मिलेगा, उसी तरह से AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR करोगे तो क्या मिलेगा R मिलेगा, AR क्यूब डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर करोगे तो R मिलेगा, उसी तरह से इस तरह से डिवाइड करते जाओ हर डिवीजन में आपको सिर्फ R मिलेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट का कुछ भी सीक्वेंस आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाना वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और उसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tn is equal to a into r to the power of n minus 1। उसी तरह sum of n टर्म्स निकालने का यहां पे देखिए तीन फॉर्मूलास दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि तीन पॉसिबल केसेस हो सकती है, ये आपका जो कॉमन रेशियो है ये हो सकता है कि 1 से ज्यादा हो, ये 1 से कम हो या फिर 1 के बराबर हो। अगर 1 से ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और 1 के बराबर अगर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, जैसे इनफाइनाइट टर्म्स का आपको सम पूछता है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपका आर की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। तीसरे तरह का सीक्वेंस जो होता है वो होता है हार्मोनिक सीक्वेंस, ये कुछ नहीं, ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना उसी का ये रेसिप्रोकल अगर आप ले लोगे और वो रेसिप्रोकल अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा तो इस पूरे सीक्वेंस को मैं बोलूंगा हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो उसमें भी आपको सेम चीज करना है, nth टर्म की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूला से और सम ऑफ एन टर्म्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आपको बस ये क्या ये याद रखना है कि ये सीक्वेंस वाला टॉपिक में सिर्फ ये फॉर्मूलाज रटने हैं और कुछ नहीं करना, फॉर्मूलाज रटना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सीक्वेंस में बस इतना ही था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बोला था कि ये सब जो चार लेक्चर्स आने वाले हैं वो काफी क्रिस्प काफी शॉर्ट और काफी आसान होने वाले हैं, तो बस आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है। और बात रही इसके प्रॉब्लम्स की तो चिंता बिल्कुल मत करिए, जैसे ये प्लेलिस्ट को पूरा मैथ्स का है उसी तरह से एक नया प्लेलिस्ट बनेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसमें सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूंगा, जीरो लेवल मीडियम लेवल एडवांस लेवल हायर एडवांस लेवल सारे तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, यहां तक कि नहीं आपका इंडिया के नहीं फॉरेन भी प्रॉब्लम्स को भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो, उसके बाद फिर हर कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। तब पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए, कीप लर्निंग कीप टीचिंग, हम लोग मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।